Today's topic is finding the square root of any numbers So at first square root section you have to all write down the square in a right hand side in a 1 to 9 Take a two pair You have to lena. two So number is 10 So where is the situated 10 9 and 16 3 square is 9 4 square is 16 In between is a 10 right So you have to write down 10 for 3 square So write down the first number is 3 Clear इन ए सेकेंड स्टेप यू हैव टू फॉलो द लास्ट डिजिट ऑफ द फोर आपको सेकेंड uh, स्टेप में क्या करना है फोर जो है इसको फॉलो करना है तो फोर किसके किसके स्क्वायर में है देखिए तो एक टू के स्क्वायर में फोर है और एक फोर कहाँ है एट के स्क्वायर में फोर है टू के स्क्वायर में फोर एट के स्क्वायर में सिक्सटी फोर तो ये नंबर लास्ट में टू होगा या तो एट होगा तो ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि टू होगा या फिर एच होगा इसके लिए क्या कर, करना है आपको जो नंबर मिला है ना इसके जो सक्सेसर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है थ्री का सक्सेसर नंबर फोर है मल्टीप्लाई करके आ गया ट्वेल्व तो ये ट्वेल्व ए वाले नंबर से छोटा है या फिर बड़ा है देखिए ए वाला नंबर छोटा है राइट छोटा है ना टेन क्या है बड़ा है ए बिग नंबर है और एक छोटा है तो अगर ये नंबर छोटा होता है तो आप इधर टू को ले टू को लेंगे हम अगर बड़ा होता इस ट्वेल्व से बड़ा होता है नंबर तो हम ऐट को लिखते एडिशनली यू हैव टू टेक द अनदर एग्ज़ाम्पल दिस वन अगर सेवेंटी नाइन है कहाँ पर आता है सेवेंटी नाइन देखिए सिक्सटी फोर और एट्टी वन के बीच में राइट तो इसके लिए हम पहला नंबर एट लिखेंगे एट का जो सक्सेसर नंबर अभी डिसाइड करेंगे लास्ट नंबर कहाँ पर है एक, एक तो वन के है वन का स्क्वायर वन और एक है एटी नाइन नाइन का स्क्वायर है एट्टी वन तो लास्ट में वन इन दोनों में अभी नंबर वन होगा या फिर नाइन ये कैसे डिसाइड करेंगे एट का सक्सेसर नंबर नाइन है तो इन टू नाइन एट तो सेवेंटी टू हो गया अभी जो सेवेंटी टू है इस नंबर से छोटा है या फिर बड़ा है देखिए ये नंबर बड़ा है तो किसको लिखेंगे नाइन को लिखेंगे आंसर आ गया एट्टी नाइन अगर ये नंबर ये जो सेवेंटी टू मिला है छोटा होता तो वन को लिखते हैं लेकिन ये नंबर बड़ा है ना इसको कंपेयर करेंगे इससे ये नंबर बड़ा है इसलिए हमने सेवेंटी टू है इधर छोटा तो ये नंबर बड़ा हो गया तो नाइन लिखा नेक्स्ट नाइन्टी सिक्स टेक ब्रेक नाइन्टी सिक्स आता है नाइन का स्क्वायर या फिर टेन का स्क्वायर आगे लिखेंगे हंड्रेड के बीच में तो इसके लिए हम नाइन को फास्ट लिखेंगे लिख दिया नाइन को अभी फ़ोर कहाँ का आता है टू का स्क्वायर आ जाता है फोर एंड कहाँ फोर आता है और सिक्सटी फोर एट का स्क्वायर आ जाता है सिक्सटी फोर तो एट लिखेंगे या फिर टू लिखेंगे कोई एक नंबर लिखेंगे ना तो इसके लिए इसको क्या करेंगे जो नाइन आया पहला नंबर इसका सक्सेसन नंबर है टेन तो नाइन्टी आ गया राइट तो पहला नंबर नाइन है तो नाइन्टी ए वाला बड़ा है और ए वाला छोटा है तो बड़ा होगा तो किसको लिखेंगे एट को छोटा होता तो क्या लिखते है? फोर को